नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक्निकल जस्सी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि YouTube चैनल की जो सेटिंग है, इंटरनल सेटिंग, वो हम कैसे करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो 20, 30, 35 या 50 से ऊपर नहीं जाते, तो इसका जो कारण है वो आपने अपने YouTube चैनल की सेटिंग नहीं की होती। YouTube चैनल की सेटिंग आप सोचते हैं कि YT स्टूडियो में जाकर हमने कर दी है, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो की सेटिंग होती है, पूरे चैनल की सेटिंग नहीं होती। आज मैं पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल की सेटिंग किस प्रकार करते हैं। हमें YT स्टूडियो में नहीं जाना, हमें एक एप्लीकेशन ओपन करनी है, वो है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ 3 डॉट हैं, 3 डॉट के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू टैब का ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ न्यू टैब है, यहाँ न्यू टैब दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है तो एक नया पेज निकल के हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ सर्च बार में हमें लिखना है youtube.com हम लिख देते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है साइन इन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर में मेरे चैनल का लोगो बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन निकल कर आ जाते हैं और एक ऑप्शन निकल कर आता है यूअर चैनल का। यूअर चैनल को मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये यूअर चैनल लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम यूअर चैनल को ओपन करेंगे, अभी ये ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। हम थोड़ा बैक चलते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अभी हम ग्रीन लोगो पे क्लिक करेंगे और यूअर चैनल पे क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये चैनल ओपन हो जाता है। और ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ हमें 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, 3 डॉट ये हमें दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर हमें क्लिक करना है। इनके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन निकल कर आ जाएगा डेस्कटॉप साइट, इसको क्लिक कर देना है, इसको टिक मार्क कर देना है, तो आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन निकल कर आ जाता है कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो, तो हम कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज चैनल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कस्टमाइज चैनल का एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया है, और इसमें हम बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ देख सकते हैं आप सेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है छोटा सा, इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो हमारे सामने निकल कर आ जाती है। इसमें जर्नल में $ ही रहने देना है, और इसके नीचे जो ऑप्शन है चैनल का उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं कि सेटिंग को नहीं करते और उनका जो है
चैनल किसी और कंट्री के नाम से चलता रहता है। इसका नुकसान ये होता है कि उस देश में उसकी जो वीडियो हैं वो जाती रहती हैं, उनका नोटिफिकेशन जाता रहता है और वो उनको देखते नहीं हैं, तो इसलिए उनको व्यूज़ नहीं आता। तो आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेकंड ऑप्शन आता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स में आप जैसे मेरा चैनल टेक्निकल है तो मैं टेक्निकल जस्सी अपने चैनल का नाम डाल दूंगा और टेक्निकल वीडियो भी डाल दूंगा। मोबाइल सेटिंग और मोबाइल एप्लीकेशन, यूट्यूब सेटिंग, कुछ इस प्रकार के कीवर्ड इसमें डाल देंगे। तो इतना सब सेटिंग करने के बाद इसके आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो एडवांस सेटिंग का आता है। एडवांस सेटिंग में ये बताया गया है कि ये जो वीडियो है वो बच्चों के लिए बनाई गई है या 18 साल से ऊपर के लिए बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि YouTube का एक नया जो ऑर्डर आया था वो ये था कि उसमें जो बच्चों के लिए वीडियो बनाई जाती है उस पर लोग गलत कमेंट कर रहे थे, तो YouTube ने इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपका चैनल बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। अगर बच्चों के लिए तो आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कमेंट, क्योंकि लोग गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं और इसका बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था YouTube ने कर रखी है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये चैनल बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। अगर बच्चों के लिए तो आपको यस करना पड़ेगा और बड़ों के लिए है तो आपको नो, सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, इस प्रकार से आपको सेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। इसका जो अगला ऑप्शन निकल कर आता है फीचर एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। क्योंकि अभी आपका चैनल नया है इसलिए आप इनको इनेबल नहीं कर सकते, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ आपको बेसिक में बस इतना करना है, कीवर्ड डालने हैं, इंडिया सेलेक्ट करना है और एडवांस में आपको ये बच्चों के लिए है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। बस इतनी सेटिंग करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। आप इसको बिल्कुल सेव कर देंगे तो ये सेटिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये चैनल की सेटिंग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे और आपके चैनल जो प्रॉपर जहाँ जाना चाहिए, जैसे इंडिया में ही रहना चाहिए तो इंडिया में ही ये रहेगा, और जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी को ही लोग सेलेक्ट करेंगे और आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।